तो यहाँ पे हम दो बड़े किसानों के पास आ चुके हैं। नमस्ते दादाजी। नमस्ते दादाजी। आप दोनों पहले तो अपना परिचय दीजिए। राम जी चौरसिया, ग्राम गारापुर, तहसील लम्बुआ, थाना चांदा, जिले सुल्तानपुर। और दादाजी आप भी अपना परिचय दीजिए। हम श्री राम अशेष चौरसिया है, राम राजा उमरी के रहने वाले। अच्छा, और पीछे दादी जी भी आ रही है। थाना चांदा है, तहसील लम्बुआ, जिला सुल्तानपुर। तो आप लोग हमें बताइए कि पान की खेती कैसे होती है। पान की खेती जो है, इसको पहले 3-4 बार गुड़ाई करना पड़ता है। गुड़ाई कैसे मतलब? मतलब जो कुदार होता अच्छा, है ऐसे खोदना पड़ता है। इसको खोदना पड़ता है और पीटना पड़ता है। अच्छा, बड़ी मेहनत होती है इसमें। और मेहनत के हिसाब से जो है हम लोग वो है इसका मजदूरी नहीं पाते हैं। मतलब आपको मेहनत के, आपकी पान की खेती की मेहनत के हिसाब से आपको फायदा नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता है। और इस समय सरकार जो है ये हमारे लोगों का जो व्यवसाय है इस पे रुकावट लगा दी है। तो आप सरकार से क्या क्या सुविधाएं चाहते हैं? अब सरकार से सुविधा तो हम बहुत चाहते हैं, हमारे मेहनत का कुछ समझ कर बाहर मतलब हमारी मदद करे, जो हो सके उसकी मतलब दे भरपाई। आप लोगों का पान बाहर नहीं जाता? बाहर नहीं जा रहा है। तो आप लोग अपने पान की बिक्री करने कहाँ जाते हैं? कहाँ, यही इधर उधर कर देते हैं, जो मिल जाता क्या करें, दिल चलाने के लिए। सुल्तानपुर बनारस। तो आपका ये पान लगभग कितने कम में बिकता होगा? बहुत कम इस समय कीमत हो गई है, सरकार के जरिए से इसकी कीमत जो है बहुत घाटे पे आ रही है। घाटे पे जा रही है। हाँ। तो फिर आप लोगों ने कुछ कोशिश नहीं की कि आप सरकार को बता पाए कि आपका पान का घाटा हो रहा है? अब हम लोग किसान, इतना गरीब आदमी कहाँ जाए इसको मीडिया पहुँचाने के लिए, इसको सरकार को सोचना चाहिए न। चलिए ठीक है, हम सरकार, आपकी बात केसीबी वर्ल्ड के द्वारा सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये तो आप लोगों की विनती मैं भी कर रहा हूँ कि आप लोग इस बात को पहुंचाएं वहां तक। हाँ, हम लोग को सहयोग मिले किसान को। तो हम दादाजी से जानना चाहेंगे कि ये खेती पान की जो है वो नई है कि पुरानी? नई है। तो और पुरानी खेती कैसे की जाती थी? अब यही पुराने इसको बीज तोड़ कर दूसरे में नए में लगाया जाएगा, उसके बाद इसका पूरा जो नीचे बचा हुआ है उसमें मिट्टी डाली जाएगी, तब पौधे उसमें अच्छे निकलेंगे। और धान की भूसी भा, पैरा भा, यही सब डाला जाता है। और नई खेती कैसे करते थे? यही नई खेती, पहले मिट्टी डाली जाती है, फिर उसको बाद क्यारी बनाई जाती है गोड़ पीट कर, फिर उसको पानी से डुबाया जाता है, पानी से डुबाने के बाद उन्हें बोया जाता है यही पौधा। ये हम देख सकते हैं दादाजी के हाथ में कुछ पान है जो बहुत खराब हो चुके हैं। हाँ, ये सब पान खराब हो चुके हैं, इसकी कीमत तो कुछ नहीं है। जैसे कि हर समाज ने अपना एक अलग अलग संगठन बनाया है, तो आपका चौरसिया समाज, हमारा चौरसिया समाज इसके लिए कुछ नहीं करता कि जैसे ज्यादा गर्मी हो कच्ची फसल होती है पान की तो भी खराब होती है, ज्यादा ठंडी हो तो भी खराब होती है, ज्यादा बारिश हो कच्ची फसल तो तब भी खराब होती है। तो आप अपनी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए कोई संगठन नहीं है आपका? हमारे चौरसिया समाज में संगठन है, लेकिन कहने के लिए है, पहुंचाने के लिए नहीं है। तो आप लोगों ने कभी इसके लिए संघर्ष नहीं किया कि बाकी लोग? हम लोग इतना शिक्षित नहीं है कि इतना संघर्ष कर लें। किसान इतना शिक्षित हर किसान नहीं होता है। ये इन्होंने बात सही कही है कि हर किसान इतना शिक्षित नहीं होता है। और हम दोबारा सरकार से आग्रह करेंगे कि कृपया इन्हें ये मशीन दी जाए ताकि इनकी
मेहनत की कमाई जो इनकी ये रोजी रोटी है वो खराब ना हो ना बिगड़े। दादाजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप अपना परिचय दीजिए। हमारा हम छोटेलाल चौरसिया हैं, पान खेती करते हैं और हमारे पान का नुकसान बहुत हो रहा है। जो हमारी बिक्री है वो बाहर नहीं जा रही है, बाहर ना ही खपेगा, और जो हमके सुविधा मिलती है सरकार की तरफ से वो हमें छूट नहीं मिल रही है, वो ऊपर वाले खा जाते हैं। हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है किसान करने में। सारे अधिकारी पैसे खा जाते हैं, बीच में जो है बरेजा का पैसा भी 50,000 आया था लेकिन किसी को मिल नहीं पाया, सारे अधिकारी खा गए। आधा मिलता है आधा नहीं मिलता, ये हाल है। हम लोग ग्रामीण के लोग हैं, हम लोगों को उतना जानकारी नहीं है। और पान के तो हार्ट के लिए पान का पत्ता बहुत फायदेमंद है। पान का पत्ता चबाते हैं तो खून पतला होता है, हमसे कई डॉक्टर लोग हमसे पान के पत्ते लेते हैं और हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। इतनी फायदेमंद चीज के लिए भी जो है अधिकारी इतना वो कर रहे हैं, सरकार भी कोई कुछ नहीं कर रही है, कच्चा सौदा है। सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, जो चौरसिया समाज के ठेकेदार बन के बैठे हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल सब अपना राजनीतिक रोटी सेंक। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से विनती करते हैं कि सरकार हम लोगों के लिए कुछ करे और हमें भी सुविधा दे, हमें भी सुविधा दे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमने यहाँ पे बहुत से किसानों से बात करी और उनसे जाना कि कैसे सरकार इनको सुविधा नहीं दे रही है और कैसे इन्हें पान की खेती करने में काफी मुश्किल आ रही है, जो इतनी फायदेमंद चीज है। सरकार सुविधाएं जो थोड़ा बहुत दे भी रही है वो अधिकारियों की भेंट चढ़ जाता है और हम लोगों को ज्यादातर अधिकारी लोग खाते हैं। अगर सरकार 50,000 दे रही तो हम लोगों को 5,000 मिलता है, बाकी सारे अधिकारी खा जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने काफी किसानों से बात करी और उनसे जाना कि पान की खेती कैसे होती है और पान की खेती में क्या होता है, कितनी मुश्किल आती है, इसको तैयार करने में कितने लोग और कितने महीने लगते हैं, और इतनी फायदेमंद चीज, जैसा कि हमारे एक किसान ने बताया कि इतनी फायदेमंद चीजें इनसे डॉक्टर लेके जाते हैं, परंतु डॉक्टर मुझसे खरीद लेते हैं, कहते हैं कि ये पान का पत्ता चबाने से खून पतला होता है, हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। तो फिर जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमने काफी किसानों से बात करी और उनसे जाना कि पान की खेती कैसे होती है, क्या होता है, इसमें कितने दिन और कितने महीने लगते हैं, इसकी सिंचाई कैसे होती है और कितनी इसकी जो है कितनी इसको गर्मी चाहिए, कितना धूप चाहिए। मैं चौरसिया समाज संगठन और सरकार से आग्रह करती हूँ कि इन्हें वो दर्जा पान किसान का दिया जाए जिससे कि इनकी फसलें अच्छी हो सके और ये अपनी पौराणिक फसलों को समाप्त होने से बचा सके। चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में ऐसी कुछ विशेष जानकारियों के साथ, तब तक आप देखते रहिए केसीपी वर्ल्ड। धन्यवाद।